डाउट नट। बच्चों, अगर आपको किसी प्रश्न में अटक गए हैं या आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, तो बस आपको एक क्वेश्चन का फोटो लेना है, एक क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर अंदर इसका सॉल्यूशन, वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। चाहे वो क्वेश्चन आपके होमवर्क का हो, या आपके CBSE का हो, या यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, MP या किसी अदर बोर्ड का हो, चाहे IIT, JEE, मेंस, एडवांस, नीट या क्लास 6 से 12 का हो, इन सब का जवाब मिलेगा सिर्फ डाउट नेट ऐप पर। या कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी या साइंस, आपको सभी सवालों के जवाब मिलेंगे डाउट नेट ऐप पर। क्लास 9 से 12 के लिए चल रही है हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम की लाइव क्लासेस, यानी अब पूरी पढ़ाई होगी डाउट नेट ऐप पर। 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे डाउट नेट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं। आप भी जाइए, डाउट नेट ऐप इंस्टॉल कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। न्यू पॉइंट है आपके एक्सरसाइज नंबर 3.7 का बेसिक है। पहले आप बेसिक सीख लो, ये 3.7 के पहले बेसिक है वो बता रहा हूं मैं आपको। तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, आपको दोनों के मल्टीपल निकालना है और जो लोवेस्ट है, सबसे लोवेस्ट वो होगा आपका, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होगा, जिसको हम कहते हैं LCM कहते हैं। क्या कहते हैं? शॉर्ट में LCM कहते हैं। जैसे देखो, नंबर आपको लेते हैं यहाँ पर, देखो एक 12 है और एक 18 है। अब इसके मल्टीपल लेने, मल्टीपल मतलब टेबल लिखनी है आपको। तो ये हो जाएगा आपके 12, 24, 36, 48, 72 या 60, फिर 72, ये हो गई आपके 12 की टेबल। अब हम लेते हैं 18 की टेबल, तो ये आ जाएगा आपके 18, 36, 72, 54, 72। तो यहाँ लिख देता हूँ वापस में एक बार है, 54, 72 ऐसे। अब कॉमन क्या आ रहा है आपके, एक तो ये आ रहा है अभी आपके 36, एक हो रहा है आपके 72, लेकिन हमें बताना है लोवेस्ट बताना है। तो लोवेस्ट क्या है? छोटा ये है। आगे और जाएंगे तो बहुत सारे आंसर मिलेंगे। लोवेस्ट क्या है आपके? 36 है। इसका मतलब आपका एलसीएम हो गया है 36 हो गया। एक तरीका तो ये है। सेकंड मेथड बताते हैं आपको कैसे करना है। सेकंड तरीके में क्या करेंगे, ध्यान देना, ये 12 है, 12 के हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो ये होता है आपके 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। 18 का निकालेंगे तो ये होगा आपके 2 इंटू 2 3 जा 6, 6 3 जा 18। तो आप इसके ऐसे निकाल लेना, नहीं तो आप ऐसे देख लेना भाई, ऐसे 12 लिया, 2 का डिवाइड 6 टाइम, फिर 2 का डिवाइड 3 टाइम, फिर 3 का 1 टाइम, ऐसे निकालते। अब हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है। इसमें हमें 2 भी लिखना है और 3 भी लिखना है। अब एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि 2 हाईएस्ट कितना है। इस लाइन में हाईएस्ट 2 टाइम है, इसमें एक बार है, तो एक बार लिख दिया ना, एक बार और लिख दो। 3 देखो यहाँ पर 1 टाइम, यहाँ पर 2 टाइम है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, देखो ध्यान देना भाई, हाईएस्ट 2 2 टाइम, हाईएस्ट 3 2 टाइम ऐसे। तो यहाँ पर 2 2 जा 4, सबको मल्टीप्लाई कर देना, कितना आएगा भाई आपके, 36 आएगा। एक तरीका और है आपके, ये हो गया सेकंड मेथड। एक तरीका और है थर्ड मेथड। हम क्या करेंगे, 12 को और 18 को लेंगे, इसमें अलग सॉल्व करना है, इसको अलग सॉल्व करना है, लेकिन करना एक में ही है। 2 का डिवाइड करेंगे 6 टाइम, इधर 9 टाइम, फिर 2 का डिवाइड करेंगे, इसमें तो जाएगा आपके बट इसमें नहीं जाएगा। अब हम 3 का डिवाइड करेंगे, इसमें जाएगा 1 टाइम, इसमें जाएगा 3 टाइम, फिर 3 का करेंगे तो 1 टाइम 1 टाइम, और ये हो गया हमारा आंसर। ये देखो यहाँ पर मैच कर रहा है, क्या आंसर आएगा, 36। ऐसे भी 36, ऐसे भी और ऐसे भी। सबसे बेस्ट तरीका रहेगा आपके ये वाला, क्योंकि मान लो यहाँ पर तो नंबर मिल गया, कभी कभार बहुत टेबल लिखते रहो नंबर मिलेगा ही नहीं, ये वाला भी आप कर सकते हो। ये आपके क्लास 10th में भी है, आगे 9th में भी है, काम आएगा, लेकिन आप ये वाला ही करो, बेस्ट रहेगा। सबसे पहले देखो हम सेकंड मेथड से करके ट्राई करते हैं। एक आपके 24 है और एक आपके 90 है।
इन दोनों के हम टुकड़े करेंगे। और टुकड़े करने आपको आने चाहिए, उसके लिए हम ऐसे करेंगे, हम 2 का डिवाइड 12, 2 का डिवाइड 6, 2 का डिवाइड 3, फिर 3, फिर 1। तो क्या हुआ यहाँ पर, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब लेते हैं हम यहाँ पर 90 लेते हैं, तो यहाँ आ जाएगा आपके 2 का डिवाइड 45, फिर 3 का डिवाइड 15, फिर 3 का डिवाइड 5, फिर 5 का डिवाइड 1। तो ये आया है आपके 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 5 जा 90। अब अगर इसका हम एलसीएम फाइंड करेंगे तो इसके अंदर सबसे पहले लेंगे हम 2 लेंगे। 2 देखो इस लाइन में 3 टाइम है बट इस लाइन में 1 टाइम है, तो हम क्या करेंगे, 3 टाइम लेंगे, ज़्यादा वाला लेंगे, यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब 3 लेते हैं तो यहाँ पर 3 1 टाइम है और यहाँ पर 3 2 टाइम है, तो यहाँ पर ज़्यादा जो है ना वो लेना है आपको। और 5 आपके ओनली 1 टाइम ही है, 2 2 जा 4 2 जा 8 8 3 जा। अब जैसे अगर मैं यहाँ पर लूँ, इसका मतलब तो होता है 90, देखो ये तो हो गया आपके 4 और इसका मतलब होता है आपके 90, तो हमारा आंसर आ जाएगा 360 हो जाएगा। अब आप चाहो तो इन दोनों को साथ में कर सकते हो तो डायरेक्ट उत्तर आ जाएगा, देखो मतलब ऐसे 24 एंड 90, ये दोनों साथ में यहाँ पर हो जाएंगे। जैसे मान लो 2 का डिवाइड, देखो 2 का डिवाइड यहाँ पर जा रहा है 12 टाइम, यहाँ पर जा रहा है 45 टाइम, तो दोनों में जा रहा है, दोनों में देंगे 12 और 45। अब अगला 3 में जाएगा, जब तक आपके 3 नहीं आता तब तक 2 2 टाइम देंगे हम, 2 का डिवाइड 6 टाइम इधर नहीं जाएगा, फिर 2 का डिवाइड करेंगे 3 टाइम 45 टाइम। अब आपके यहाँ पर भी 3 टाइम, यहाँ पर भी 3 का जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, 3 लेंगे, 1 टाइम 15 टाइम, फिर 3 का करेंगे 1 टाइम 5 टाइम, फिर 5 का करेंगे तो 1 1, और यही हमारा आंसर है यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देख लीजिए आप। तो आपको दोनों तरीके आने चाहिए, अलग अलग सॉल्व करके भी ऐसे कर सकते हो और दोनों को एक साथ लेकर भी कर सकते हो, मेरे हिसाब से बेस्ट यही रहेगा आपके लिए। एग्जाम्पल नंबर 10 आपके दे रखा है, फाइंड द एलसीएम ऑफ 40 48 और 45। यहाँ पर हम क्या करते हैं, इधर लेते हैं एलसीएम लेते हैं, एक नंबर है आपके 40, एक नंबर है 48 और एक है 45। दूर दूर लिखना ताकि अच्छा रहेगा, आप सॉल्व करने में अच्छा रहता है। 2 का डिवाइड जा रहा है तो यहाँ पर देंगे 20 टाइम, यहाँ पर भी 2 का डिवाइड जा रहा है 24 टाइम, और यहाँ पर नहीं जा रहा है तो नहीं देना है, जहाँ पर जाना है एक बार में दे दिया करो। 2 का डिवाइड यहाँ पर जा रहा है 10 टाइम, यहाँ पर 12 टाइम और यहाँ पर 45 टाइम, और 2 का डिवाइड जा रहा है 5 टाइम 6 टाइम एंड 45 टाइम, और 2 का डिवाइड जा रहा है 5 टाइम 3 टाइम 45 टाइम। अब 3 का डिवाइड करेंगे, 5 यहाँ जाएगा नहीं, यहाँ पर आपके 1 टाइम और यहाँ पर आपके 15 टाइम, और 3 का डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपके 5 टाइम 1 टाइम एंड 5 टाइम, फिर 5 का देंगे तो ये आ जाएगा आपके 1 1 1। और मैंने ये भी करवाया भी था, इसका मल्टीप्लाई आपको लिखा है भी था, क्या आएगा 360 360 आएगा ना, देख लेना भाई। ये तो होता है अभी आपके 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, 3 3 जा 9 9 5 जा 45, 16 5 जा 80, 80 हो गया तो 8 बच गया 64 64 प्लस 8 72, 1 2 ज़्यादा आया इसमें, तो मतलब 72 एक ऐसा नंबर है जिसमें इन सब का डिवाइड जाता है, मतलब 720 में अगर आप 40 का डिवाइड करोगे तो भी पूरा पूरा जाएगा आपके 18 टाइम, अगर आप 720 में 48 का डिवाइड करोगे तो भी पूरा पूरा जाएगा, और 720 में अगर आप 45 का डिवाइड करोगे तो भी पूरा पूरा जाएगा, कितनी बार जाएगा, 16 बार, 16 बार जाएगा। तो आपको ऐसे एलसीएम लेना आना चाहिए। अब है आपके एग्जाम्पल नंबर 11, फाइंड द एलसीएम ऑफ 20 25 एंड 30। इसका एलसीएम फाइंड करते हैं, तो यहाँ पर हम लेते हैं 20 25 एंड 30।
इसमें से किसी एक में भी टू का डिवाइड जा रहा है तो टू का डिवाइड करेंगे हम, किसी एक में भी जा रहा है तो भी करेंगे। टू का डिवाइड किया 10 टाइम, यहाँ पर नहीं जा रहा है, यहाँ पर जा रहा है 15 टाइम। तीनों में से किसी एक में टू का डिवाइड जा रहा है, यहाँ पर जा रहा है, बट यहाँ पर आपके नहीं जा रहा है। अब इन तीनों में थ्री का डिवाइड जा रहा है किसी एक में, तो यहाँ पर जाएगा आपके नहीं जाएगा, यहाँ पर भी नहीं जाएगा, और यहाँ पर जाएगा 5 टाइम। अब लेते हैं 5 वन टाइम, 5 टाइम वन टाइम, फिर 5 का देंगे तो वन टाइम वन टाइम वन टाइम, ये हो गया 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, ऐसे कर सकते हो आप, 2 2 जा 4 3 जा 12, 5 जा 60, 5 जा 30। ये ऐसा वैल्यू है जिसका डिवाइड इन तीनों में जाता है, ऐसा नंबर आ गया। एग्जांपल नंबर 12 आपके दे रखा है, 2 टैंकर कंटेन 850 लीटर एंड 680 लीटर ऑफ केरोसिन ऑयल रेस्पेक्टली। हमारे पास 2 टैंकर है, 850 लीटर का है केरोसिन का है और ये 680 लीटर का है, तो हमने एक अलग से एक बर्तन लिया है। फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर विच कैन मेजर द केरोसिन ऑयल ऑफ ईच टैंकर व्हेन यूज एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम। मतलब हमें एक ऐसा बर्तन लेना है जो इसको और इसको पूरा भर दे, ऐसा जो इधर भी काम आ जाए और इधर भी काम आ जाए, इसको भी कंप्लीट कर दे और इसको भी कंप्लीट कर दे, तो हमें मैक्सिमम निकालना है। मतलब अगर मैं इसमें 1 1 लीटर लूँगा तो ये भी भर देगा, ये भी भर देगा, मतलब ज़्यादा नहीं आएगा। ऐसा नहीं 1 लीटर भरेंगे तो 1 850 टाइम भरेगा यहाँ पर, 680। 2 लीटर का होगा तो थोड़ा जल्दी भर देगा, 5 लीटर का होगा तो भी भर देगा, 10 लीटर का होगा तो भी हो जाएगा। अब हमें बताना मैक्सिमम क्या होगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, SCF फाइंड करेंगे, तब आपको मैक्सिमम मिल जाएगा। मतलब एक ऐसा बर्तन लेना है जो इसमें भी काम आ जाए, इसमें भी काम आ जाए। जैसे सिंपल अगर मैं एक चीज़ लूँ आपके पास कि मेरे पास 50 रुपये का भी नोट है, 100 रुपये का भी नोट है, तो मुझे मैक्सिमम एक ऐसा नोट बताओ जो मतलब इसमें भी काम आ जाए और इसके भी बन जाए। मतलब मुझे एक ही नोट लेना है, तो मैं कौन सा लूँगा, वो 10 रुपीज़ का नोट लूँगा मैक्सिमम, ताकि इसके 5 टाइम काम आ जाए। इसका 5 टाइम करेंगे तो ये हो जाएगा, इसका 10 टाइम करेंगे तो ये आ जाएगा। तो ये क्या है, ये नंबर इन दोनों का SCF है। तो यहाँ पर भी हमें एक ऐसा नंबर लेना है जो इधर और इधर पूरा भर जाए और इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा ना बचे। तो इस चीज़ का अगर मैं 20 रुपीज़ लेता हूँ तो यहाँ पर तो ये पूरा हो जाएगा 5 टाइम, बट ये नहीं होगा, कुछ बच जाएंगे 10 रुपीज़। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, हम SCF फाइंड करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, देखो हमारे पास 2 टैंकर है, ये दोनों लिख देते हैं यहाँ पर हम। तो हमारे पास गिवन, गिवन क्या है, हमारे पास 2 टैंकर है ऑफ केरोसिन, केरोसिन ऑयल के हैं ये, केरोसिन ऑयल इज, एक देर का आपके 850 लीटर का है और दूसरा आपके देर का है 680 लीटर का देर का है। अब हमें क्या करना है, वी नीड फाइंड, हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है मैक्सिमम मेजरिंग, मैक्सिमम मेजर फाइंड करना है कैपेसिटी ऑफ कंटेनर टू मेजर बोथ टैंकर। मतलब हमें एक ऐसा पॉइंट लेना है, मतलब हमें एक ऐसा कंटेनर लेना है जो दोनों को मेजर कर सके, दोनों को कम्प्लीटली भर सके। अभी आपको और समझाएंगे इसके बारे में। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई, इसके लिए हमें इसका SCF निकालना पड़ेगा, 850 एंड 680। आपको आता है तो लिखो ये चीज़ें, ये कोई कंपलसरी नहीं है। अब इसका SCF निकालते हैं हम, 850 एंड 680, इसका निकाल लो आप, SCF निकाल लो। SCF निकलता है अलग अलग, ये तो LCM हो जाएगा। तो पहले हम इसका करते हैं 850 का, 2 का डिवाइड करेंगे तो इसका हाफ करना पड़ेगा आपको, कितना हो जाएगा आपके 425।
फिर 5 का डिवाइड जाएगा आपके 85 टाइम, फिर 5 का डिवाइड करेंगे 17 टाइम, फिर 17 का करेंगे तो 1 टाइम। ऐसे ही हम यहाँ पर क्या करेंगे, 680 का भी करेंगे। आप वहीं पर कर लेना कॉपी में ही, इसका हाफ कर दो, इसका हाफ 170, इसका हाफ हो जाएगा 85, 5 का डिवाइड जाएगा 17, 17 एक प्राइम नंबर है। ऐसे अब हमें क्या करना है, यहाँ पर लिखना है 850 इजिकल टू हो जाएगा 2 × 5 × 5 × 17, और 680 इजिकल टू हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 5 × 17। अब हमें ऐसे अब निकालना, अभी देखो आपको बताता हूँ पॉइंट में कैसे इसको आपको सही करना। देखो ध्यान देना, कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में 2 है, दोनों में 5 है और दोनों में 17 है, ये हो गया आपके 170 हो गया हमारा आंसर। अब ये कैसे काम करेगा ध्यान देना, अगर इसके अंदर 170 लीटर अगर हम इसके अंदर केरोसिन भर सकते हैं, तो ये देखो 170 से ये कितनी बार में भर जाएगा, 5 टाइम में। मतलब ये वाले हम 170 170 भर भर के इसमें डालेंगे तो 5 टाइम में पूरा हो जाएगा और कुछ भी इसके अंदर नहीं बचेगा। और यही अगर 170 में इसमें डालूंगा तो क्या आएगा आपके, 4 टाइम में ये कंप्लीट भर जाएगा। ये मैक्सिमम है, इससे बड़ा नहीं होगा। वैसे अगर मैं 1 1 लीटर का लेता तो भी दोनों फिक्स भर जाते। अगर मैं 10 10 लीटर का लेता तो ये 85 में और ये 68 में पूरा कंप्लीटली फिल हो जाता। लेकिन हमें बताना मैक्सिमम वैल्यू बताना, तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए ये आएगा आपके 170 लीटर। ये ऐसा वैल्यू है जो इससे बड़ा वैल्यू कोई नहीं है, इससे बड़ा अगर वैल्यू आप लोगे तो इसमें अगर भर जाएगा तो इसमें रह जाएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है, मैक्सिमम ये है 170 लीटर। और ये चीज़ आप ध्यान रखें हमेशा, जब भी आपसे मैक्सिमम पूछे ना तो आपको एससीए फाइंड करना है, और जब भी आपसे मिनिमम पूछे इसका मतलब आपको एलसीएम फाइंड करना है। इस चीज़ से भी आप एससीएम एलसीएम का मालूम कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 13 दे रखा है, इन ए मॉर्निंग वॉक 3 पर्सन स्टेप ऑफ टुगेदर। मतलब 3 पर्सन हैं जो आपके अलग अलग मेजर करते हैं, अलग अलग स्टेप्स देते हैं। मतलब एक का स्टेप 80 सेंटीमीटर का है, मतलब एक बार में 80 सेंटीमीटर तक का स्टेप चलता है। दूसरा थोड़ा बड़ा व्यक्ति है, उसका 85 सेंटीमीटर एक स्टेप में कवर करता है, और 90 सेंटीमीटर तीसरा कवर करता है। मतलब एक थोड़ा सा कम चलेगा, एक थोड़ा सा ज़्यादा चलेगा एक बार में, और ये 90 सेंटीमीटर। हमें वॉट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक सो दैट ऑल कैन कवर द सेम डिस्टेंस इट कंप्लीट स्टेप। मतलब कंप्लीट स्टेप फाइंड करने हैं आपको, मतलब एक डिस्टेंस बताना है आपको। देखो ये 80 सेंटीमीटर चल रहा है, ये 85 चल रहा है, ये 90 चल रहा है, बट हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर यहाँ से मान लो ये इतना स्टेप चल रहा है, एक इतना चल रहा है और इतना चल रहा है, लेकिन हमें एक ऐसा एक जगह बतानी है जहाँ पर वो स्टेप गिनते गिनते यहाँ पर सबका एक ही जगह पर, इस जगह पर स्टेप आ जाए। तो हमें स्टेप क्या करना, मिनिमम डिस्टेंस बताना है, क्योंकि यहाँ पर तो देखो एक आगे चल रहा है, एक पीछे चल रहा है, और जैसे हमें एक जगह बतानी है ऐसी जहाँ पर तीनों एक जगह फिक्स आ जाएंगे, तो यहाँ पर मिनिमम वैल्यू भी है, तो इसे हम क्या कहते हैं, एलसीएम भी कह सकते हैं। तो एलसीएम हमें निकालना है, किसका निकालना है, इसके तीनों का निकालना है आपको। तो हम यहाँ पर लेते हैं 80 85 एंड 90 लेते हैं, सॉल्व करें। 2 का डिवाइड जा रहा है 40, इधर नहीं जा रहा है, इधर डिवाइड जा रहा है आपके 45 टाइम। फिर 2 का डिवाइड करेंगे 20 85 45, फिर 2 का डिवाइड जा रहा है, ये हो जाएगा आपके 10 10 85 45। फिर हम करेंगे यहाँ पर 2 का डिवाइड जा रहा है 5 टाइम 85 45, यहाँ पर नहीं जा रहा तो वापस यही लिखना है आपको। 3 का डिवाइड जा रहा है 5, इधर नहीं जाएगा आपके, इधर जाएगा 15 टाइम। फिर 3 का डिवाइड करेंगे तो 5 85 एंड 5। अब 5 का करेंगे 1 17 1, 17 का देंगे तो 1 1 1,
अब ये लेंगे हम, तो ये आ जाएगा आपके 2 × 2 × 2 × 2, ये हो गया आपके 4 टाइम। फिर आपके 3 × 3 × 5 × 17, तो यहाँ पर होता है 16 × 3 = 48, ये हो गया 15 और ये हो गया आपके 17। अब 48 का हाफ होता है 24, 720 हो जाएगा दोनों को मल्टीप्लाई करने पर, × 17 = 0, 17 × 34 = 3, 119 और 3 होता है आपके 122। इतना सेंटीमीटर के बाद तीनों के कदम एक जगह यहाँ पर आ जाएंगे, तो इसके लिए आपको तीनों को इतना चलना पड़ेगा, तीनों को इतना चलना पड़ेगा। एग्जाम्पल नंबर 14 दे रखा है, फाइंड द लीस्ट नंबर, लीस्ट नंबर मतलब एलसीएम हो गया आप, लीस्ट नंबर विच, या छोटा नंबर भी कह सकते हो, तो व्हेन डिवाइड 12, 16, 24, 36, मतलब हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है, मिनिमम नंबर या लीस्ट नंबर जिसको हम एलसीएम कहते हैं, ऐसा नंबर ढूंढना है जिसमें इन सब का डिवाइड जाए और पीछे रिमाइंडर 7 बच जाए। तो हम पहले ऐसा नंबर निकालेंगे जिसमें सबका डिवाइड जाए, बाद में रिमाइंडर 7 का यूज लेंगे। तो हम करते हैं यहाँ पर, इन सब का क्या निकालते हैं, पहले हम एलसीएम लेते हैं। तो ये होता है आपके 12, 16, 24, 36, इस सब में आपके 2 का डिवाइड जा रहा है, 6 टाइम, 8 टाइम, 12 टाइम, 18 टाइम, फिर से 2 का डिवाइड जा रहा है, 3 टाइम, 4 टाइम, 6 टाइम एंड 9 टाइम, फिर 2 का डिवाइड जा रहा है आपके 3 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, नहीं जाएगा यहाँ पर। अब 2 का डिवाइड करेंगे 1 टाइम, 1 टाइम, इधर 3 टाइम, 3 टाइम, 9 टाइम, और 3 का डिवाइड करेंगे तो 1, 1, 1, 3, फिर 3 का डिवाइड करेंगे तो 1, 1, 1, 1। अब हम क्या करेंगे, इसको लेते हैं यहाँ पर और हम निकालते हैं इसका एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम कितना आएगा आपके, 2, 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 3 जा 48, 48 3 जा होता है 144। मतलब ये एक नंबर ऐसा है, इस नंबर के अंदर सबका डिवाइड जा रहा है, 12 का डिवाइड भी जा रहा है, 16 का भी डिवाइड, 24, 36 का डिवाइड जा रहा है। अब ये कह रहा है कि रिमाइंडर जो है वो हर बार कितना बच रहा है आपके, 7 बच रहा है। अगर मैं कह दूं कि 2 के अंदर 2 का डिवाइड जा रहा है, लेकिन हमें ऐसा नंबर बताना है जिसमें 1 बच जाए, जो बचे ना उसी को ऐड कर लो। इसमें ऐड करेंगे ये आएगा 151। अगर मैं 151 में 12 का डिवाइड करूंगा तो ये यहाँ तक ही जाएगा, पीछे 7 बच जाएगा, क्योंकि 151 में डिवाइड करना है। तो हमारा आंसर ये वाला है, जितना रिमाइंडर बचता है ना उसको यहाँ पर ऐड कर देंगे। ये ध्यान रखना, किसमें, एलसीएम में। एससीएफ में उल्टा होता है, एससीएफ में ये एलसीएम पहले ही माइनस कर देते हैं। एलसीएम में क्या होता है, जब ऐसा करते हैं उसके बाद आपको लास्ट में ऐड करना होता है। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे तीनों चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और व्हाट्सएप नंबर पर आपको कोई लिंक चाहिए वीडियो का तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको सारे वीडियो वहाँ पर शेयर कर सकता हूँ। अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब।